कनेक्शन में, जैसे कि हम जानते हैं कि एक कंपनी से जुड़ना होता है हमारा, तो टीटागढ़ रेल सिस्टम का मैनेजमेंट हमारे साथ आज जुड़ रहा है। कंपनी मेट्रो रेल वैगन और वर्ल्ड क्लास कोच मैन्युफैक्चरिंग करती है और कंपनी के बंगलुरु मेट्रो ट्रांसिट सिस्टम के प्रोडक्शन की शुरुआत हो चुकी है। आगे की विस्तार योजना जानेंगे, ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा होगी और हमारे साथ टीटागढ़ के मैनेजमेंट भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कंपनी के सफर पर एक नज़र डाल लेते हैं। भारत में तेजी से बढ़ते इंफ्रा और कनेक्टिविटी में रेलवे अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। रेलवे के मॉडर्नाइजेशन पर सरकार के फोकस और कैपेक्स में लगातार बढ़ते फोकस से रेलवे सेक्टर से जुड़ी स्वदेशी कंपनियों में नए मौकों की भरमार है। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स भी लगातार ग्रोथ की नई कहानी लिख रहा है। टीटागढ़ ने 1997 में मालगाड़ी के वैगन मैन्युफैक्चरिंग से शुरुआत की। भारतीय रेलवे के लिए अपनी फाउंड्री में स्टील कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार के वक्त के साथ रफ्तार और कामयाबी हासिल की। कारोबार के बेहतरीन इंटीग्रेशन से आज कंपनी का नाम देश की लीडिंग रोलिंग स्टॉक कंपनी में शुमार है। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स को ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस, सेमी हाई स्पीड ट्रेन, मेट्रो, पैसेंजर कोच, प्रोपल्शन इक्विपमेंट और वैगन्स की बड़ी रेंज बनाने में महारत हासिल है। टीटागढ़ का कारोबार जहाज निर्माण, पुल और रक्षा क्षेत्र में भी है। ईएमयू, एईएमयू कोच बनाने वाली भारत की पहली निजी कंपनी टीटागढ़ ने भारतीय रेलवे को वर्ल्ड क्लास कोचेस की आपूर्ति की। प्राइवेट सेक्टर में रेलवे मालगाड़ी वैगन्स की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पैसेंजर रेल सिस्टम के निर्माण के साथ साथ अपने पोर्टफोलियो में काफी वैरायटी ला रही है, जिसमें बिना ड्राइवर वाली मेट्रो ट्रेनों को विकसित करना भी शामिल है। कंपनी ने हाल ही में बेंगलुरु में अपने नए इंजीनियरिंग सेंटर की शुरुआत की। रेलवे के लिए सरकारी कैपेक्स में इजाफे से कंपनी के लिए कितने मौके बने हैं, क्षमता विस्तार की क्या योजनाएं हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गया है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स का मैनेजमेंट। चलिए, तो यहाँ पर टीटागढ़ रेल सिस्टम के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ प्रीतीश चौधरी जुड़ गए हैं। प्रीतीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। तो जो रिसेंटली इनॉग्रेटेड हुआ है इंजीनियरिंग सेंटर टीसीएमएस को डेडिकेटेड है, इसके बारे में नई फैसिलिटी से बेनिफिट आपके मार्जिन को लेकर कितना आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, अगर इसका कोई आंकड़ा आप हमें बता सके तो। बिल्कुल, तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो पर बुलाने के लिए। तो ये जो हम टीसीएमएस, ये सिर्फ एक्चुअली टीसीएमएस की फैसिलिटी नहीं रहेगी, ये जो बैंगलोर में इंजीनियरिंग सेंटर है ये प्रोपल्शन और ट्रैक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स पर पूरी फोकस करेगी। इसका तहत ये है कि चाहे वो टीसीएमएस हो, चाहे वो ट्रैक्शन कन्वर्टर हो, चाहे वो ट्रैक्शन मोटर हो, उन सबकी इंजीनियरिंग की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम बैंगलोर में खड़ी कर रहे हैं। जहां तक हमारे बिजनेस पर इसका इम्पैक्ट, अगर हम बिजनेस पर इम्पैक्ट की बात करें, तो जो प्रोपल्शन सिस्टम होती है एक मेट्रो कोच में, वो उस कोच की तकरीबन 25-30% वैल्यू सिर्फ प्रोपल्शन में होती है। और अगर इस वैल्यू चेन को हम बैकवर्ड इंटीग्रेट जब हम कर लें सक्सेसफुल तरीके से, तो जो भी डेल्टा रहता है मार्जिन में, वो तकरीबन कोच लेवल पर 3-4% का मार्जिन रहेगा, वो हम हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड कर पाएंगे। पर ये कुछ सालों बाद होगा, ये करीब 2027-28-29 में एक्टिव होगा। चलिए, एक चीज़ आपसे और जो हमें जाननी है, आपने जो अपना 38 ट्रांसिट का प्रोडक्शन अभी जो कमेंस किया है बंगलुरु मेट्रो के लिए, उसके बारे में कुछ हमें बताइएगा, उसकी एग्जीक्यूशन टाइमलाइन आपकी क्या होने वाली है, और साथ ही इस तरह के प्रोजेक्ट से रेवेन्यूज रिकग्निशन आपके किताब पर कितना आगे और जाता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, तो जो बंगलुरु मेट्रो की प्रोजेक्ट है वो टोटल 204 कोचेस की है, जो हम एक चाइनीज कंपनी सीआरआरसी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग की, उसके साथ कोलैबोरेशन में हम ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और अगस्त तक हमारी पहली ट्रेन हम बैंगलोर मेट्रो को सप्लाई कर पाएंगे। वहां से आगे हर महीने हम 2 ट्रेन प्रति महीने की रेट पर उन्हें सप्लाई करेंगे।
ये भी एक चीज़ है कि कुछ रिपोर्ट जैसे कि बता रही हैं कि फ्रेश एलोकेशन हुआ है लगभग 50,000 करोड़ का न्यू ट्रैक्स में, और साथ ही अगर हम वंदे भारत के एक्स्ट्रा रोल आउट्स की बात करें तो यहाँ पर भी विस्तार योजना कुछ क्षेत्रों में जो है वो बनाई जा रही है। लेकिन इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ में अगर हम देखें तो आपको क्वान्टिफाइबल बेनिफिट्स क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक्सपेक्टेशन टाइमलाइन वंदे भारत प्रोटोटाइप की FY25 के तहत क्या क्या है, कितना आउटलुक है, किस तरह का आउटलुक है इसको लेकर आपका? बिल्कुल, तो जहां तक ट्रैक एक्सपेंशन की सवाल है मैम, अगर ट्रैक्स एक्सपैंड होते हैं तो उन पर ट्रेन तो चलानी पड़ेगी, नहीं तो ट्रैक एक्सपैंड कर कर क्या फायदा। सो उसका एक डायरेक्ट हमें बेनिफिट दिखता है कि अगर ट्रैक्स एक्सपैंड हो रही हैं तो कभी ना कभी उन ट्रैक्स पर ट्रेन की भी टेंडर्स आएंगी। जहां तक वंदे भारत का सवाल है, आज के दिन इंडिया में सिर्फ 2 प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज हैं, एक हम और BHEL हमारी जो कंसोर्शियम है, और दूसरी एंटिटी है किनेट जो कि एक रशियन कंपनी TMH और RVNL की जॉइंट वेंचर है। प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ यही 2 कंपनीज हैं जिनके पास आज के दिन वंदे भारत की ऑर्डर्स हैं, और ये गवर्नमेंट की जो प्लान्स हैं करीबन जो हम भी रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं करीबन 400 से 450 नए वंदे भारत ट्रेन सिस्टम में इंकल्केट करने की, हम ये मानते हैं कि टीटागढ़ इन सब इन इन इस सेक्टर में एक फ्रंट रनर रहेगा, और ये अपॉर्चुनिटी को हम बहुत ही एक्साइटमेंट के संग देख रहे हैं। जहां तक प्रोटोटाइप का सवाल है, हमारी प्रोटोटाइप मई 2025 में रेडी हो जाएगी, और फिर वहां से जो कॉन्ट्रैक्चुअल डिलीवरी शेड्यूल है उस तहत हम डिलीवरीज जारी रखेंगे। अब क्योंकि हम सरकार का बहुत ज़्यादा पुश देख रहे हैं जहाँ तक रेलवे स्पेंडिंग्स को लेकर अगर हम समझें, और जिस तरह से कंपनीज भी फोकस कर रही हैं अपने एक्सपेंशन को लेकर, आपका ओवरऑल रेवेन्यू ट्रैजेक्टरी, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है उसको लेकर नए टारगेट्स क्या होने वाले हैं, और सस्टेनेबल एबिटा मार्जिन की अगर मैं बात करूँ तो इसको लेकर किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं? बिल्कुल, तो जहां तक फॉरवर्ड नंबर्स की सवाल है, हम नॉर्मली गाइडेंस शेयर नहीं करते, पर मार्च में हमने एक रेवेन्यू पोस्ट किया था 3,850 करोड़ करीबन, जो कि कंपनी की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू था। एंड हम ये आशा करते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड इसके लिए मैं थोड़ी पास में भी जाऊंगा, हमारी आज तक की जो ग्रोथ आई है या जो नंबर्स आए हैं वो सिर्फ एक फ्रेट रेल सिस्टम्स के तहत आए हैं जो हमारी फ्रेट वैगन्स है। पर अगर मैं 5 साल आगे की बात करूं तो 60 से 65% रेवेन्यूज हमारी पूरी पैसेंजर सेगमेंट से आएंगी, जो कि मेट्रो कोचेस, चाहे वंदे भारत, चाहे प्रोपल्शन। तो कंपनी के ऑपरेशंस में और कंपनी की स्टेटस में एक माइलस्टोन शिफ्ट आएगा, जो कि हम देखेंगे टीटागढ़ वैगन से टीटागढ़ रेल तक की जो जर्नी है वो हमें दिखने को मिलेगी। अच्छा, कुछ सप्लाई चेन इश्यूज जो कि फ्रेट बिजनेस में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो एनालिस्टों की रिपोर्ट्स के हिसाब से समझ में आ रहे हैं, क्या इससे किसी भी तरह का एग्जीक्यूशन हैम्पर हो सकता है, किसी भी तरह की दिक्कतें आ सकती हैं? साथ ही आपसे टाइमलाइन करंट ऑर्डर बुक के एग्जीक्यूशन को लेकर भी हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, तो मैम इसमें मंथ ऑन मंथ वेरियंस आ सकती है बिल्कुल, पर इसीलिए हम जब बात करते हैं वैगन कैपेसिटी की, हम नॉर्मली पर एनम बेसिस पर रिफर करते हैं, क्योंकि मंथ ऑन मंथ जो वेरिएशन आती है वो मेकअप हो जाती है। तो ऑन अ ईयरली बेसिस हम 12,000 वैगन स्टेबल तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं, और जो भी सप्लाई चेन उसके लिए मैचअप करानी पड़ती है वो हमारी टीम उसके लिए है कि उसको मैचअप करवा कर 12,000 वैगन साल की हम बना सके। जहां तक ऑर्डर बुक का सवाल है, हमारे पूरी कंपनी की ऑर्डर बुक तकरीबन 28,000 करोड़ पर है, जिससे करीबन 14,500 करोड़ ऑर्डर्स आए हैं हमारे JVs के थ्रू, चाहे वो व्हील सेट वाली JV हो रामकृष्णा फोर्जिंग्स के साथ, चाहे वो वंदे भारत हमारा शेयर हो BHEL के साथ। और जो रिमेनिंग 13,500 करोड़ है उनका स्प्लिट तकरीबन 50-50 है फ्रेट और पैसेंजर के प्रति। प्रीतेश, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए इतने विस्तार से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हम रुकेंगे छोटे से, मेरे आज के मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं महेश। चलिए, यहाँ पर जो नई डेवलपमेंट्स हुई है, भले ही वो नए इंजीनियरिंग सेंटर की लिहाज से हो या जिस तरह से कैपेक्स का इजाफा किया गया है, तमाम तरह के पहलुओं को देखते हुए और जो पुश मिल रहा है इस पूरे सेक्टर को ही, इस स्टॉक में और कितनी बढ़त और कितना मोमेंटम और कितनी कमाई के मौके आप देखते हैं? डेफिनेटली पहले तो अपन बात करें, एनडीए गवर्नमेंट का फोकस जो है रेलवे सेक्टर पे स्पेसिफिक रहेगा और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें एलोकेशन और ज्यादा गवर्नमेंट जो बढ़ेगी और वंदे भारत के कोच है, बाकी सारे जो चीजें हैं इनसे ये कंपनी को फायदा डेफिनेटली मिलने वाला है। कंपनी की ट्रैक जो है, हम काफी पुराने टाइम से रेलवे के स्टॉक्स को ट्रैक कर रहे हैं, तो यहाँ से भी ये कंपनी में वैसे तो ऑलरेडी अपसेट काफी हो चुका है, बट यहाँ से एक और अच्छा खासा अपसाइड अपने को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैं कंजर्वेटिव टारगेट 1750 से 1800 तक के लेवल जो है साल भर में देखने को मिल सकते हैं और जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हो सकता है कि अपन इनके अर्निंग्स में जो है अपन थोड़े सरप्राइज भी देख सकते हैं, जिस हिसाब से गवर्नमेंट का एलोकेशन रहेगा और बाकी सारी चीजें रहेगी तो हो सकता है कि वो लेवल भी सरपास कर देगी। तो कंजर्वेटिव लेवल पे एक साल के व्यू से 1750 से 1800 तक के लेवल जो है इस कंपनी में एक्सपेक्टेड कर रहे और फ्यूचर जो है काफी अच्छा लग रहा है और ऑर्डर बुक जो है कंटिन्यूस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ से आप इसको स्टॉक्स में बने रह सकते हैं और बाइक करना है तो ये लेवल पे भी कर सकते हैं, छोटा मोटा नीचे मिले तो और भी बाइक की जा सकती है। ये 1750 या 1800 के लेवल्स आप आते हुए देख रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक का मोमेंटम। धन्यवाद महेश, आपने समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। हम आगे बढ़ते हैं, आईटी शेयरों में आज तेजी देखने को मिल